सीएम कमलनाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग की है। कमलनाथ ने पत्र में ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए लिखा कि कई विकसित देशों में आज भी बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाते हैं, क्योंकि ईवीएम विश्वसनीय नहीं है, जबकि तकनीक के मामले में ये देश हमसे कहीं आगे है। कमलनाथ ने यह भी लिखा कि ईवीएम को लेकर देश में भी कई सवाल खड़े होते रहे हैं और इससे पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया सवालों के घेरे में खड़ी होती है, इसलिए निकाय चुनाव बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। इधर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने यह पत्र लिखा उससे पहले सदन में शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों ने ईवीएम के साथ वीवीपैट के जरिए चुनाव कराए जाने की मांग रखी थी। कई विधायकों ने एक साथ इस मांग को उठाया। दरअसल भारत निर्वाचन आयोग ही ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल करता है। ऐसे में कांग्रेस ने मांग की कि राज्य निर्वाचन आयोग को भी ऐसा करना चाहिए। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि निकाय चुनाव में कांग्रेस को हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐसी मांग की जा रही है। का निर्वाचन आयोग इस चीज की मान्यता देता है तो राज्य निर्वाचन आयोग को इससे परहेज नहीं करना चाहिए। जो पक्षपात पारदर्शिता की घटनाएं, ऐसा नहीं है कि कोई नई है, लंबे समय से मांग होती आ रही है, इसलिए इस मांग को उनको स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि हार सामने निश्चित दिख रही है, इसलिए कोई ना कोई बहाना तो उन्हें अभी से बनाना ही पड़ेगा और इस दृष्टि से वो बार बार ईवीएम के लिए भी वीवीपैट के लिए भी ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं कि इस प्रकार की बातें करके वो अपनी हार को छुपाने का काम कर रहे हैं पहले से, कि हमको पता है कि हम हार रहे हैं लेकिन जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो हम बहाना क्या बनाएंगे और उस समय फिर हम कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था कि वीवीपैट नहीं हो जब तक चुनाव नहीं होना चाहिए। तो ये कांग्रेस की हताशा और निराशा।